अरे हाथ नहीं डाल दिया, हम डाल के हाथ हाथ बदौले खींच लेंगे बाहर। हाँ अपने भी आ गए तो ना तो ईडी भरोसा, ना सीबीआई भरोसा, ना आपके सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, ना जज पे भरोसा, ना तो शासन प्रशासन पे भरोसा, ना तो मतलब किसी चीज पे विपक्ष को भरोसा नहीं। आप 10,000-20,000 की नौकरी से अच्छा है आप कोई छोटा मोटा रोजगार कर सकते हो। जो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाता ना वही बेरोजगार है, जो अपना रास्ता ढूंढ लिया ना तो वो बेरोजगार नहीं है। अभी मोदी ने हम लोग के हाथ रो रखे हैं, मुंह बंद रखा है, वरना हम तो ऐसे आदमी हैं इंडिया के कि पाकिस्तान में घर में घुस करके झाट झाट के मारूंगा। शिकार आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मौजूद है चांदनी चौक पे। जैसे आप सबको पता है मोदी जी के कार्यकाल को भी 10 साल हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल भी 10 साल रहा। आइए करते हैं जनता से बात, किसका कार्यकाल 10 साल का ज़्यादा बेहतर रहा, मोदी जी का या पूर्व प्रधानमंत्री का, क्या लगता है सर? या हमें तो मोदी जी का लगता है, मोदी जी मेरे लिए बेस्ट हैं क्योंकि वो देश के साथ साथ ना यहाँ पे सुरक्षा सुविधा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं और साथ साथ में शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। और वो सरकार में तो देख ही रहे थे कि पूरे देश में जो भी अराजकता वाली बातें चल रही थी, लड़ाई झगड़े, और सबसे बड़ी चीज़ ना कहीं भी जाइए सुनवाई नहीं हो रहा था। आज धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जैसे सरकारी दफ्तर ये सब है ना, ऐसा नहीं कि नहीं सब बदल गए हैं, लेकिन सुधार हो रहा है तो आने वाले समय पे सुधार बहुत अच्छा हो। तत्वों की मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी ने अपने राज्य में हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत बढ़वा दिए, देश में बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, देखिए कहने के लिए ये तो विपक्ष अपना अपना जो भी है ना माहौल बनाने के लिए करते हैं, आम जनता के बीच में ना गलत धारणा डाल देते हैं। कोई भी सही चीज़ हो, हम तो ये कहते हैं कि विपक्ष को किस चीज़ पे भरोसा होना चाहिए। इनको ना तो ईडी भरोसा, ना सीबीआई भरोसा, ना आपके सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, ना जज पे भरोसा, ना तो शासन प्रशासन पे भरोसा, ना तो मतलब किसी चीज़ पे विपक्ष को भरोसा नहीं। तो बस उनको एक ही चीज़ करना है कि उल्टा सीधा करके कैसे भी करके आम जनता के बीच में भ्रम फैलाया जाए। वो भ्रम का राजनीति करते हैं और तुष्टिकरण वाली जो राजनीति है ना वो विपक्षों की है। तो मोदी जी कहीं ना कहीं ये जो अपना वो है इनको विश्वास दिलवा नहीं पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं तभी गलती होगी। भाई साहब विश्वास एक होता है ना, ना समझ को हम ना समझ जो होते हैं ना अबोध, उनको हम समझा सकते हैं, उनको हम समझा सकते हैं, लेकिन जो समझदार है जानबूझ के नहीं समझना चाहता तो उसको हम कहाँ से समझाएंगे। बस वही चीज, वही ना समझ समझना नहीं, वो समझदार हैं। अच्छा। वो जानबूझ के नहीं समझ रहे हैं तो उसको कितना भी आप समझाने की कोशिश करोगे ना नहीं समझेगा। एक ना समझ होगा, अनाड़ी होगा, उसको समझाओगे कि भैया गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे चलाई जाती है, वो सीख जाएगा और चलाने भी लगेगा क्योंकि उसके पास ललक है सीखने की चलाने की। लेकिन जो सीख चुका है वो जानबूझ के ये सोचे कि भैया मैं गाड़ी नहीं मुझे आती चलाने, बार बार सिखाओगे वो उसको आती है फिर भी वो बोलेगा मुझे नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। बस वही गलत फहमी जनता के बीच में वो फैलाने का हो रहा है कि तानाशाही हो गई देश के अंदर, क्या कहना चाहेंगे तानाशाही? भैया कोई तानाशाही नहीं, ये बताइए मोदी जी ने किसके लिए क्या बुरा बोल दिया, किसके लिए गलत किया? जो भी सुविधाएं अगर उन्होंने दी है सबके लिए दिया है ना। हाँ मोदी जी का तानाशाही अभी 2-3 दिन पीछे मेरठ में उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने आज उस दिन भी बोला कि मैं अगर आऊँगा फिर ना 2024 में आऊँगा तो मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शूंगा। बहुतों को ये लग रहा है ना कि उनकी पार्टी में जो वैसे बंदे हैं घुस रहे हैं, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर जो उनकी भी पार्टी में होंगे ना इस बार उनके ऊपर भी एक्शन होगा जबरदस्त। ये जो जनता अभी बोल रही है ना कि अरे जो भ्रष्टाचारी हैं जो वैसे हैं उनके में चले जाएं तो सब दूध के दूल्हे हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका केस खत्म हो गया या उनके छोड़ दिया गया ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर भी एक्शन कर देंगे वो। 2024 से कार्यकाल को बताया, हम जो आएंगे 2024 में तो और बड़ा कार्यकाल होगा, क्या लग रहा है सर क्या करने वाले होंगे? भैया देखिए उनका तो मकसद है पहली बात इस देश में शिक्षा को और बढ़ावा देना, हाँ सुरक्षा को भी बढ़ावा देना और साथ साथ में स्वास्थ्य जो है उसको भी बढ़ावा देना और आने जाने के लिए जो आम पब्लिक है पब्लिक के लिए वो मोदी जी ने कहा हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें क्वालिटी चाहिए। उनका मेन मकसद है लोकल को वोकल बनाना, जो हमारे आम बंदे हैं जो, हाँ उनको थोड़ा सा अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा
कि आप 10,000-20,000 की नौकरी से अच्छा है आप कोई छोटा मोटा रोजगार कर सकते हो, और उसके लिए सरकार बहुत सारी इसकी स्कीम निकाली है ना। अब आप जाओगे नहीं बैंक में, जाओगे नहीं सरकारी दफ्तर में, जाओगे नहीं घर बैठे कोई थोड़ी यार पैसे आपके खाते में डाल देगा। फिर भी बेरोजगारी की बात करते हैं, देखिए बेरोजगारी तो उसके लिए जो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाता ना वही बेरोजगार है, जो अपना रास्ता ढूंढ लिया ना तो वो बेरोजगार नहीं है। कुछ ना कुछ वो चाहे अपना दुकान ही डाला है, चाहे रेहड़ी पटरी पे ही कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब वही बताए ना, कुछ बंदे बोलते हैं मैं MA किया हूँ, BA किया हूँ, भी काम किया। अरे किए किससे हो, ओपन से किए हो। मोदी जी ने क्या कहा है, हमें क्वालिटी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपको रिजेक्ट हो गए। तो आप प्राइवेट में जाने को तैयार नहीं हो, प्राइवेट में इतनी इतनी कंपनियां, आप जाओ यार, नौकरी करने वाले के लिए नौकरियां की कमी नहीं है। देखो जो दो काम तो खुश तो हर कोई है, मंदिर का काम सही किया, कश्मीर का मुद्दा सही किया, और बाकी जो गरीब का जो हो रहा है वो तो आप देख रहे, दुनिया देख रही है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं भाई। उसके लिए ठीक करो, ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए कहीं सही करना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार? मैं सुझाव ये देखो भाई, जो ग्राउंड लेवल पे आओ, ये नहीं कि अमीर अमीर बनता जाए, गरीब गरीब बनता जाए, ये चीज मत रखो ना, हर एक को बैलेंस करके चलो तो सब आपके साथ देंगे। अमीर अमीर बनता जा रहा है, हाँ अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा धंसता जा रहा है, बस ये दिक्कत है, इसलिए लोग नाखुश है, और कोई बात नहीं है। हाँ बस कह रहे हैं सर कि देश में अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये बात सत्य है। अमीर किस टाइप का, किसको, मैं ये बता देना चाहता हूँ किसका, नहीं नहीं विचार नहीं, रुको चाचा रुको, सुनो ना, सुनो सुनो तो सही, सुनो तो सही भाई। हमें आज तक किसने रोका अमीर बनने के लिए, तुम मेहनत करो, कोई हमें बता दो किसने किसी के हाथ खींचे हो। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये भी पैदा इसी पेट से नहीं निकले, ये भी मेहनत कर कर के, नहीं मेहनत कर कर के, आप अपना दिमाग लगाओ ना, आप क्या आप दिमाग लगाओ ना, आप कहाँ क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप बताओ ना, आप बताओ ना क्या कर सकते हो। दिक्कत ये है कि अमीर अमीर भाई, आपके पास 100,000 रुपए है, 1,00,000 में आपने 50,000 का प्लॉट खरीद लिया, 50,000 रख लिए घर पे, ठीक है, 50,000 का प्लॉट जो खरीदता था 10 साल बाद वो हो गया 10,00,000 का, बात समझना, कहाँ से अर्निंग हुई, वो बढ़ गई ना कीमत उसकी, एक बंदे को मिले 1,00,000 रुपए, उसने मजे लिए, बाइक खरीदी, कार खरीदी, बाइक और कार ये मोटरसाइकिल ये होती है कंडम हो जाती है, अपने टाइम पे ख़त्म हो जाती है, प्लॉट, हाँ प्लॉट हुआ कि दुकान हुई या कुछ भी हुई, उसकी हमेशा कीमत बढ़ती है, ठीक है ना। जो दिमाग वाले होते हैं वो ये काम करते हैं, और जिसके पास पैसा आ जाता वो है ना अपना दिखावा करते हैं, जब दिखावा करते हैं ज़मीन बेच देते हैं, फॉर्चुनर ले आए, बड़ी बड़ी गाड़ी ले आए, कुछ और ले आए, 1,00,000 का मोबाइल ले आए, तो वह तो भाई उसके वो तो बर्बाद हो गई। बताओ आप किससे पूछ लो, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत खुश है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा खुश है, पूर्ण बहुमत से 110% 450 450 होगा वो, हम कह रहे हैं। ईवीएम क्या कांग्रेस के पहले ईवीएम नहीं था है? आप मुझे ये बताइए कि मुद्दा उठा रहे हैं 26/11 वाला, शायद आपको याद होगा तब कांग्रेस थी ना, क्या कर लिया उसने 2013 में एक नौजवान, एक सेना का जवान का सर गला करके ले गए थे, क्या कर लिया उसने 2014 में ही आते ही उसने जो है हमला बोल दिया मोदी जी ने, क्या गलत कर दिया उसने, क्या गलत कर दिया बताइए आप है। और लोगों ने विपक्षी ने क्या उठाया कि अरे सोते हुए से उन्होंने जगा दिया, मुंह में हाथ डाल दिया। अभी मोदी ने हम लोगों के हाथ रो रखे हैं, मुंह बंद रखा है, वरना हम तो ऐसे आदमी हैं इंडिया के कि पाकिस्तान में घर में घुस करके झाट झाट के मारूंगा।